अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट बनाने वाले हैं और इसका नाम है किमामी सेवैया। ये स्पेशली ईद के मौके पर बनाई जाती है, लेकिन एज अ डिज़र्ट आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। किमामी सेवैया बनाने के लिए हम यहाँ पर सेवैयाँ लेंगे। ये बारीक सेवैयाँ हैं जो हम शीरखुरमे में यूज़ करते हैं। तो सेवैयाँ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये इस तरह की मिलती है। इसे हमें बाहर निकालने के बाद में थोड़ा सा तोड़ लेना है। इस तरह से हमें बारीक कर लेना है इसे। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू लिया है, पिस्ता लिया है कटा हुआ, चिरौंजी ली है और किशमिश ली है। आप अपने मनपसंद के नट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको तल लेंगे। तो गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है। पैन में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। भाई 2 मिनट इन ड्राई फ्रूट्स को हमें घी में तल लेना है। अभी इन ड्राई फ्रूट्स को इसमें से अच्छी सी खुशबू आने तक, या फिर जो हमारी जो किशमिश है ये देखिए, जब तक जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे तो किशमिश हमारी फूलने लगेगी। जैसे ही किशमिश हमारी फूल जाती है, समझ लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स तल के हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब सेम पैन में हमारा जो घी बचा हुआ है ड्राई फ्रूट्स तलने के बाद, इसे में हम अपनी सेवैयाँ भून लेंगे। अब इन सेवैयों को भी हमें लो फ्लेम पर भून लेना है। इसमें अच्छा सुनहरा कलर आने तक, या फिर तलने के बाद इसमें अच्छी खुशबू आने लगती है, तब तक इसे हम तल लेंगे। सेवैयों को हमें घी में अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसमें से बढ़िया से खुशबू ना आने लगे और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब तक इन्हें हमें घी में भूनते रहना है। ये देखिए, यहाँ पर सेवैयाँ हमारी भून गई है, इनका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन सेवैयों को भी हम एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। चलिए, अब हमारी सेवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स तो तल के हो गई है। अब हम एक पैन में 1 कप दूध ले लेंगे। ये 1 कप मतलब 200 ml दूध है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आ गए हैं। इसमें से हम थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम 8 से 10 केसर के धागे डालकर केसर वाला दूध बना लेंगे। और अब इस केसर वाले दूध को हम इस दूध में मिला देंगे। इससे जो है हमारी सेवैयों में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड फूड कलर भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं। अब दूध में हमारे उबाल आ गया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर मिला देंगे। 1/2 कप मतलब ये 100 ग्राम शक्कर हो जाती है। शक्कर मिलाने के बाद में इसे हम थोड़ी देर उबालेंगे। बढ़िया से फ्लेवर के लिए हमें तो केसर मिला है, लेकिन हम यहाँ पर और थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाएंगे। इससे और भी हमारे जो सेवैयों का जो फ्लेवर है और बढ़ जाएगा।
तो ये देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें हमारी सेवैयाँ मिला देते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला देंगे। तो आधे ड्राई फ्रूट्स अभी हम मिलाएंगे, आधे हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इन सेवैयों को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इन सेवैयों को हमें एक 3 से 5 मिनट पकने देना है। तो यहाँ पर हमारे 3 मिनट हो गए हैं, हमारी सेवैयाँ रेडी है। जैसा आप देख रहे हैं हमारी जो सेवैयाँ हैं बहुत ही अच्छी खिली खिली बनी है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम खोया इसमें डाल देंगे। इस खोया को मैंने डालने से पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। खोया को सेवैयों में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने खोया को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी कीमामी सेवैयाँ बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है देसी घी की और खोया की। एकदम खिली खिली हमारी सेवैयाँ बनी हैं। अब इसे ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस किमामी सेवैयाँ बनकर रेडी है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।